आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिये, वो तो मेरा दास है, उसकी क्या मजाल कि वो मुझे रोक सके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या कारण? नंदी ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छुट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में। मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। रुकिए, क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। हट मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। यह असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु। अनर्थ, घोर अनर्थ, भगवान शंकर गुस्से में आकर अनर्थ कर रहे हैं। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको। पुत्र गणेश, आपको इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा, और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात हमेशा मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूँ। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा।
तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। नहीं, पुत्र गणेश, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे? किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सरधड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, यदि समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। अरे मूर्खों, ये क्या लिया है? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। उसका मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। इसे वरदान देता हूँ कि लोग युगों युगों तक इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ।
कितना कठिन है प्रभु। कल पढ़ के सुनाओ। मूषक, पढ़ना तो आज ही होगा वरना नंदी को गुस्सा आ जाएगा। फिर मत कहना। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ। मूषक महाराज, पिछली बार जो नंदी ने गुस्से में हमें उल्टा लटका दिया था, पूरे 2 दिन बाद हम नीचे उतर पाए। अरे शांत नंदी शांत, इतना इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ। भोलेनाथ बचाइए हमें, हम सबको, इस सृष्टि को। सिंधु ने स्वर्ग को भी तहस नहस कर दिया है, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। क्या वो सिंधु यहाँ कैलाश पर आक्रमण करने आ रहा है? यहाँ कैलाश पर? इतना दुस्साहस सिंधु में? भोलेनाथ, और वो ये कहते हुए आ रहा है कि वो आपको भी बंदी बना देगा। क्या ऐसा कहा उसने? तो आप तक सिंधु की हवा पहुंच ही गई। हमसे लिए हुए वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहा है सिंधु। भोलेनाथ, अब हम क्या करें? आप चिंता ना करें, मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। गणेश, लेकिन बालक गणेश ही ठीक रहेंगे इस कार्य को संपन्न करने के लिए। प्रभु आप भी? आप माँ हैं, इसीलिए कह रही हैं। किंतु आप स्वयं ये जानती हैं कि बाल गणेश हम में से किसी से भी शौर्य या चतुराई में कम नहीं है। बाल गणेश, सिंधु ने घोर तपस्या के बाद मुझसे वरदान में अमृत और भोलेनाथ से सूर्य देव के दिए हुए कवच को उनका त्रिशूल, जो कि सबसे कठिन धातु से बना है, वो भेद ना सके ऐसा वरदान लिया है। सिंधु की नाभि में अमृत से भरी एक कुपी है, जिसे उसने सूर्य देव के कवच से ढका हुआ है। उस कुपी को तोड़कर ही सिंधु को मारा जा सकता है, वरना सिंधु अमर रहेगा। मैं तैयार हूँ, किंतु अभी सारे गण भी नहीं है यहाँ, इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे होगा? आप चिंता न करें माँ, सिंधु के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, और फिर मैं उसे मिले वरदानों को भी तो जानता हूँ। मैं जीत कर ही लौटूंगा माँ। जानती हूँ विजयी भव पुत्र। इतनी बड़ी सेना? अच्छी तैयारी की है। प्रभु, ये हमारी नहीं, उस राक्षस की सेना है। अरे जानता हूँ मैं मूषक, चिंता मत करो। सिंधु दुस्साहसी, तुम भगवान विष्णु और भोलेनाथ को बंदी बनाने चले हो? ए बालक, चले जा अपने घर को। मैं भोलेनाथ और भगवान विष्णु को मार कर कैलाश पर राज करूँगा। राज, तू मेरा समय व्यर्थ न कर। दुष्ट राक्षस, तूने उनका नाम भी कैसे लिया? उन तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अच्छा, परंतु एक बालक से क्या लड़ना? वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। भोलेनाथ का पुत्र? अच्छा है अच्छा है, लेकिन बच्चे तू मेरी इस बड़ी सेना का सामना कैसे करेगा? तुम्हारे पास तो सेना है ही नहीं। हम इतने ही काफी है तुम्हारे लिए। ये छोटा सा चूहा, ये कुतला और मोटा राक्षस और ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी, और तुम हमें मारोगे? नंदी अभी नहीं, जब मैं कहूँगा तब अपना गुस्सा उतारना इन पर। सिंधु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भोलेनाथ से माफी मांग ले और यहाँ से चला जा, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे बालक, तू तो क्या, तेरे पिता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले
सबको मारूंगा और फिर भोलेनाथ को। सिंधू, तेरा ये गुस्सा सर्वनाश कर दो इन राक्षसों का। मूषक, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आक्रमण! जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कायलो, रुक जाओ और डट के सामना करो इनका। बालक, तूने मेरी सेना को मारा, परंतु मैं अकेला ही काफी हूं। मिटा दूंगा सब कुछ। गणेश, तू क्या मुझे मारेगा? मैं तो अमर हूँ, अमर! जब तक मेरे पास अमृत है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं! मुझे मारना आया था। मुझे मारना? तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा। काश तुम मुझे मार पाते। सच्ची, मेरी ये इच्छा है कि तुम मुझे मारो। पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अमर हूँ, अमर। अरे रे, सिंधु, तू तो गया। सिंधु, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं, तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है, तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। अमृत है। अरे रुक जा रुक जा, मुझे पता है, भगवान विष्णु ने मुझे बताया है। अच्छा, पर क्या तुम ये जानते हो कि सूर्य देव के दिए हुए इस कवच को
शिवजी का त्रिशूल भी। अरे रुक जा मुझे पता है, भोलेनाथ ने मुझे ये भी बताया है। मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हें। सिंधु मुझे बाद में मारना, पहले अपने आप को तो बचा ले, क्योंकि वरदान लेते समय तुमने भोलेनाथ से ये नहीं पूछा था कि उनके त्रिशूल से भी तेज कोई ऐसा भी औजार है जो इस कवच को भेद सके। क्या कौन सा औजार? परशूल। नहीं बाल गणेश, बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय। कौन हो तुम लोग और इस प्रकार मेरी नींद भंग करने का मतलब? मेरा नाम मधु और इसका नाम कैताब है जगन्नाथ, और हम दोनों आपके शरीर की मैल से उत्पन्न हुए हैं। तो क्या चाहते हो? तुम्हारा राज्य। हम में अब तुम्हारी सारी शक्तियां हैं विष्णु, अब ये राज्य हमारा हुआ। मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से लिखी है। विष्णु, मृत्यु हमारी नहीं, तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से होगी। दुष्ट पापियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। बस बहुत हुआ दुष्टों, असंभव, इन्होंने सुदर्शन चक्र को हरा दिया। मुझे तुरंत बाल गणेश के पास सहायता के लिए जाना होगा, सिर्फ वही हैं जो मुझे इनसे बचा सकते हैं। अरे ये तो भाग गए, चलो इनके पीछे। बताता हूँ प्रभु, बताता हूँ। ये कह रहा है प्रभु, कई दिनों से कुछ मजेदार, खास और मस्ती भरा काम नहीं किया है, इसलिए कुछ मजा नहीं आ रहा है। अगम, तुम इतने कम शब्दों में इतना कैसे बोल लेते हो? ये मेरे लिए आज भी आश्चर्य की बात है। नहीं आया। कुछ मत कहो अगम, कुछ मत कहो। तुम्हारी बातों का मतलब समझते समझते मैं थक गया हूँ। उनकी इतनी हिम्मत, आने दो उन्हें, उन्हें भी परेशान करके ही मारेंगे। अगम, लगता है तुम्हें मजे करने का कारण मिल गया। सब लोग यहाँ आओ। चलो। छिपे
बैठे हो तुम? अपनी आखिरी सांसें गिन लो विष्णु। अब ये कौन है? ए हड्डी के ढेर, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? क्या अय्या कर रहे हो? साफ साफ बोलो। जो भी हो तुम साफ साफ बोलो। अय्या क्या कर रहे हो? ए, इसे बोलो यहाँ से चला जाए, मुझे 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 गुस्सा आ रहा है। मेरा मतलब है, मैं क्या बोलूँ इसे? अरे अगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम लोग कौन हो? हम लोग जो भी हैं, क्या तुम ये अय्या को जानते हो? हाँ, ये अगम है, मेरा मित्र। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? इस याया यो ने हमारा सर खा लिया है। यो, यो। तो फिर बोला, चुप रह तू। अरे बग्गम भी नहीं है, अब कैसे पता चलेगा इसने क्या बोला? कौन बग्गम? बग्गम जो इसकी भाषा समझता है। यो, यो। अरे अरे रुको अगम, बग्गम को आने दो, फिर बोलो। तो चुप। अरे क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम? अब तुम कौन हो? मैं बग्गम हूँ और मैं वो खाना लेने गया था, बहुत भूख लगी थी हमें। चलो अग्गम ब्रिंगी, खाना खाते हैं। अरे तुम लोग भी आ जाओ और खाना खा लो, भूखे पेट मरना अच्छी बात नहीं है ना? चलो खाना खा ले। क्या, चलो चुपचाप यहीं खड़े रहो, हमें विष्णु को मारना है और तुम लोग हमें परेशान करना छोड़ दो। हमें परेशान मत करो, हमें नहीं खाना कुछ भी, हमें विष्णु को मारना है और फिर हमें मरना है। रुको रुको रुको, क्या कहा तुमने? हमें मरना है, मरना है हमें। कौन मारेगा हमें? तुम कुछ नहीं बोलोगे। अरे ये तो कब से कह रहा है, तुम्हें मरना है। बाल गणेश तुम्हें मारेंगे और तुम हो के इतनी सी बात समझते ही नहीं? बेचारा कब से गला फाड़ फाड़ के कह रहा है। क्या कह रहे हो? कौन मारेगा मुझे? कौन? हमें कोई नहीं मारेगा। ये अगर और बोलेगा ना तो हम जरूर मर जाएंगे। चुप, कोई नहीं मार सकता हमें। देखो बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब कोई भी एक और शब्द बोलेगा तो विष्णु से पहले मैं उसे मारूंगा। तुझे बोलना जरूरी था। ए बग्गम, क्या बोला ये? ये बोला, वो देखो नंदी और मूषक आ रहे हैं। आओ नंदी, आओ मूषक, खाना खाओ, फिर बाल गणेश को इन्हें मारना भी है। उसके बाद बहुत काम करना है। कौन है ये लोग? अरे हाँ, वो तो मैं पूछना भूल ही गया, कौन हो तुम बता दो। हम विष्णु की मेल से उत्पन्न लोग। बताता हूँ, रो मत। ये बोला, मैल से उत्पन्न हुए हो तुम। छी, कितने मैले हो। मतलब तुम लोग हमें परेशान करके ही छोड़ोगे? देखो, हमें विष्णु को मारने दो, हम उसके बाद चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। विष्णु जी को तुम मार नहीं सकते, इसने कहा ना, भूल गए? बाल गणेश उसके पहले ही तुम्हें मार देंगे। और बोला, रुक क्यों गया, बोलना। अरे अब तो हमारी भी इच्छा है कि सच में हमें बाल गणेश मार ही दे, कम से कम इसकी ए तो नहीं सुननी पड़ेगी। क्या ये बोला, ऊपर देखो। हाँ?
मेरे भक्त जब भी मुझसे दिल से कुछ मांगते हैं, तो मैं उन्हें दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुम दोनों ने सच्ची श्रद्धा से मांगा है, तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। हमें कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं। गुस्सा दिला रहा है, तुझे पता है ना, अगर उसे गुस्सा आ गया तो। शांत हो जाओ नंदी, शांत। आज बड़ा मजा आया। चलो अब नहाते हैं। परंतु प्रभु, तालाब का पानी तो ठंडा होगा ना? तो क्या हुआ, ठंडे पानी में तो और भी मजा आएगा। परंतु मैं तो एकदम साफ हूँ। अगम, बिल्कुल सही। अब तो मूषक महाराज को नहाना ही पड़ेगा। प्रभु चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। माता के हाथों के मोदक खाते हैं, चलिए ना। अरे हाँ हाँ मूषक, हम सब आ रहे हैं। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो?
प्रभु, मूषक को तैरना नहीं आता ना, इसीलिए यहाँ से निकलने की युक्ति ढूंढ रहा है। प्रभु मत्स्यासुर, नदी है, इसे दूषित करके तूने घोर अपराध किया है। तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बालक, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझ में कितनी असीम शक्तियाँ हैं। मैं तो तुम्हें एक पल में ही मार सकता हूँ। मैं यहाँ से जाने को नहीं, परंतु कैलाश पे राज करने आया हूँ। अगर तुम इस नदी में नहीं आते तो मैं अब तक शिव जी और सभी को बंदी बना के कैलाश पे राज कर रहा होता। मत्स्यासुर! अरे बालक, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ बाल गणेश। मूषक, तुम्हारे जैसा मित्र और बाल गणेश के खास चहीते को शत शत प्रणाम। ये जानते हुए कि तुम्हें तैरना नहीं आता, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए तुमने पानी में छलांग लगाई। चिंता मत करो मूषक। परंतु माँ, आपने उसे नहीं देखा, वो राक्षस बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। अच्छा, तो क्या हमारा गणेश कम है? वो भी तो शक्तिशाली है। We'll be right back.
बिल्कुल ठीक हूँ। ओ, तो इतने समय तक पानी में क्या कर रहे थे? मैं तो ठंडे पानी का मजा ले रहा था। माँ, हमें क्षमा भी कर दो, आगे से कपड़े गंदे नहीं करेंगे हम। लेकिन पिछली बार भी तुमने यही कहा था बाल गणेश। नहीं नहीं, इस बार हम सच में ऐसा नहीं करेंगे माँ। चुपचाप सब लोग कपड़े धोते रहो, वरना कार्तिकेय के कपड़े भी धोने को दे दूंगी। प्रभु, चुपचाप धोते रहिए, नहीं तो समस्या और भी बढ़ सकती है। तुम सही कह रहे हो नंदी। मैं कुछ देर में वापस आती हूँ, तब तक सब कपड़े धो के साफ होने चाहिए। और हाँ, किसी ने कोई चालाकी की तो तुम लोगों को रोज कपड़े धोने होंगे, और वो भी सबके, समझे? कैसी रही? बहुत अच्छी रही प्रभु, किंतु माँ। अरे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। प्रभु ये कह रहा है कि माँ चली गई, आप अभी अपना काम कर दें। गणेश, तुम चालाकी किए बिना रहोगे नहीं ना? नहीं माँ, वो तो मैं बस वो। अवश्य ही ऐसा करने के लिए तुम्हें तुम्हारे मित्रों ने उकसाया होगा। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। जैसा भी हो, कपड़े तो तुम सबको चालाकी से नहीं अपने हाथों से धोने होंगे। क्या हुआ पार्वती, क्यों बच्चों को डांट रही हो? डांटो नहीं तो क्या करूं महादेव, आपका ये पुत्र और इसके मित्र मंडली सारा दिन मुझे घर के कामों में ही उलझाए रखते हैं। दिन में 5-6 बार तो ये लोग कपड़े बदलते हैं। कपड़े धोने का यंत्र थोड़ी ना हूँ मैं, ऊपर से इनका खाना तैयार करना होता है वो अलग। पार्वती, जो बालक असुरों का नाश करता हो उसकी थोड़ी शैतानियाँ तो चलानी ही होगी। ओह, अगर इतना ही प्यार आ रहा है आपको अपने पुत्र पर, तो ठीक है, आज से आप ही संभालिए घर के कार्य। पिताश्री, अब आप ही माँ को समझा सकते हैं। पार्वती, हम पहले से ही चिंतित हैं, और इस प्रकार रूट कर आप हमारी चिंता और बढ़ा रही हैं। त्रिलोक स्वामी को चिंता? पार्वती, हम बहुत दिनों से एक हवन करने की सोच रहे थे, जिससे सभी देवी देवताओं को शक्ति और दिव्य शक्तियाँ मिले। परंतु इसमें चिंता का विषय क्या है? पार्वती, चिंता का विषय यह है कि इस हवन की सबसे उत्तम तिथि कल सुबह की है, जिसमें सभी देवी देवताओं का होना आवश्यक है, अन्यथा इसका फल किसी को नहीं मिलेगा। किंतु इतने कम समय में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करना असंभव सा प्रतीत होता है। मुझे तो ये विषय कहीं से भी चिंता का कारण नहीं लगता महादेव। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए आप अपने सभी गणों को क्यों नहीं भेज देते? गणों को भेज तो दें पार्वती, किंतु कार्य को अति शीघ्रता से पूरा करने के चक्कर में यदि गणों से एक निमंत्रण भी छूट गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मेरे विचार से आपको ये कार्य किसी गण की बजाय बाल गणेश को सौंपना चाहिए, वो शीघ्रता में भी कुछ भूलने की चूक नहीं करेगा। विचार तो उत्तम है,
मैं समझ गया प्रभु। यदि समझ गए हो नंदी तो बताओ कौन क्या क्या काम करेगा। मैं हवन कुंड बनाऊंगा। मैं और अगम हवन की सामग्री लाएंगे। और मैं हवन के स्थान की साफ सफाई करूंगा। तो जाओ तुम सब अपने अपने कार्य पर लग जाओ। किंतु पिताश्री आपने तो मुझे कोई कार्य सौंपा ही नहीं। और मुझे भी नहीं। बाल गणेश ये समय तो तुम्हारे खेलने का है ना। यदि काम करोगे तो खेलोगे कैसे। वो तो मैं बाद में भी खेल सकता हूँ पिताश्री। आप बस काम सौंपिए, मुझे भी आपका हाथ बटाना है। तुम मेरा हाथ बटाना चाहते हो। ठीक है बाल गणेश, तुम और मूषक यदि मेरी मदद करना ही चाहते हो तो तुम लोग ऐसा करो, तुम दोनों जाओ और सभी देवी देवताओं को मेरी ओर से हवन के लिए आमंत्रित कर दो। जी पिताश्री, मैं और मूषक अभी जाकर सबको निमंत्रण दे आते हैं। पिताश्री किंतु क्या बाल गणेश। पिताश्री मैं आपके दिए इस कार्य को पूरे मन से करना चाहता हूँ, किंतु इसकी समय अवधि तो बहुत कम है। कल सुबह से पहले इतने निमंत्रण। ये बात तुम्हें कार्य हाथ में लेने से पहले सोचनी चाहिए थी बाल गणेश। अब तो बस इस कार्य को पूरा करने के बारे में सोचो। परंतु पिताश्री। क्या हुआ प्रभु, आप इतने उदास क्यों हो गए। मूषक तीनों लोकों की यात्रा है, ये कार्य आसान नहीं है। पिताजी हवन कल सुबह करना चाहते हैं, दो चार दिन बाद नहीं। तो अब हम क्या करेंगे प्रभु। ये तो हो गया समझो। ओम प्रकृति स्वरूपा स्वाहा, स्वाहा। ओम सृष्टिये स्वाहा, स्वाहा। ओम धराय स्वाहा, स्वाहा। महादेव आपका यह हवन संपन्न हुआ। महादेव इतने कम समय में आपने ये हवन करवाकर अद्भुत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। इस हवन में हमें बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। गुरुवर इस धन्यवाद का असली अधिकारी बाल गणेश है। वैसे सच कहें तो हम भी हैरत में हैं कि इन्होंने इतने कम समय में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कैसे कर लिया। बाल गणेश क्या आप हमें बताएंगे आपने ये असंभव कार्य किस प्रकार संभव कर दिखाया। पिताश्री कार्य कठिन जरूर था, किंतु आप ही ने मेरे इस कार्य को आसान कर दिया। हमने आसान कर दिया, हम समझे नहीं पुत्र। पिताश्री यदि मैं एक एक करके सभी देवी देवताओं के द्वार पर निमंत्रण देने पहुंचता, तो शायद ये कार्य अब तक पूर्ण नहीं होता और एक नहीं कई निमंत्रण रह जाते। इस बारे में जब मैं सोच रहा था तब मुझे अचानक याद आया कि तीनों लोक के देवी देवता तो आप ही के शरीर में समाहित है पिताश्री, तो क्यों ना मैं सभी निमंत्रण आपको ही समर्पित कर दूं। हाँ? ये विचार आते ही मैंने और मूषक ने आपका पूजन करना आरंभ कर दिया और सभी निमंत्रण आपको अर्पित कर दिए। ओम नमः शिवाय।
सभी देव और देवियों को स्वतः ही निमंत्रण मिल गया और सभी यहाँ अनुकूल समय पर उपस्थित हो गए। आपकी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है बाल गणेश। इस सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। किसी का अंत नंदी को गुस्सा दिलाने को हमारे साथ मैं हमेशा मार खा हूँ। महाराज अब और कितना मारोगे, हमारी तो जान ही निकल गई है मार खा खा के। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। नंदे महाराज हमें माफ कर दो, हमें उतारो यहाँ से, हमें माफ कर दो, हमें डर गया, हम फिर जाएंगे। पवन देव, आपकी ये दशा किसने की? मुझे सिर्फ नाम बताइए, मैं अभी उसे ठिकाने लगाता हूँ। आमला, आमला सुर। पवन देव, आप चिंता ना कीजिए, आप यहाँ विश्राम करें, मैं उसे देखता हूँ। वरुण देव, अग्निदेव, इसे इतनी आसानी से नहीं दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। क्या? कौन कौन मारेगा मुझे? नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम बोलो। हम सब। तुम मुझे मारोगे, तुम लोग। देखो मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे मारना असंभव है, मैं अमर हूँ।
फिर बोले। क्या बोला अब इसने? इसने बोला, हमें पता है कि तुम अमर हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन ये सब तुम्हारा भ्रम है। हमें सिर्फ इतना बताओ, तुम आसानी से मरना चाहते हो या दौड़ दौड़ कर? तुम लोग मुझे मारोगे? तुम लोग? ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के मारो। क्या हुआ? आमला सुर, मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। तुम लोग मुझे मारोगे? तुम लोग? ये कदापि नहीं हो सकता। मैं अभी तुम लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। आमलासुर, तुम्हारा सर्वनाश मेरे ही हाथों लिखा है। शांति नहीं हो रही, इस तरह तो ये सारी सृष्टि का विनाश कर देगा। जैसे अग्नि देव ने कहा था, लगता है अब मुझे वही करना पड़ेगा। बाल गणेश, अब और कितना दौड़ाओगे? मुझे आप नहीं मार सकते, मैं अमर हूँ। देखो आमलासुर, जैसा अगम ने कहा वैसे मैं तुम्हें और दौड़ाने वाला था, पर अब मुझे भूख लगी है और तुम हो कि मरते ही नहीं। चलो अब हम ये खेल खत्म करते हैं, ताकि मैं घर जाके आराम से माँ के हाथ का खाना खा सकूं। मैं अमर हूँ बाल गणेश, तुम मुझे मार नहीं सकते। मुझे पता है, अग्नि देव ने मुझे सब बताया है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो फिर? नहीं, बाल गणेश, नहीं। अमलासुर को खा के कुछ मजा नहीं आया। ऊपर थोड़ी जलन हो रही है पेट में। घर जाना होगा माँ के पास। अरे कोई कुछ करो, मेरा पेट तो बहुत जल रहा है, जल्दी करो।
कुछ कीजिए प्रभु, जल्दी कुछ कीजिए। मैं बाल गणेश को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। सारे प्रयोग कर लिए हैं हमने, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। मुनिवर, आप सब लोग यहाँ? हमें बाल गणेश की पीड़ा का पता चला, हम सब शीघ्र ही यहाँ चले आए। प्रभु, ये दुर्वा है और इससे आपको शांति मिलेगी और अच्छा महसूस होगा। माँ, मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल गणेश, आपने पूरी सृष्टि को बचाया है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। बाल गणेश की जय। मुनिवर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं ये आह्वान करता हूँ कि बाल गणेश की पूजा दुर्वा के बिना अनिवार्य होगी। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय।